इलाके को ठीक ठाक रखना सरपंच की जिम्मेदारी होती है, लेकिन डिंडोरी के बमहानी पंचायत के सरपंच ने मनमानी करते हुए कई सरकारी दुकानों को गिरवा कर लोगों को बेरोजगार कर दिया है। इतना ही नहीं, इस सरपंच ने आम के कई सारे पेड़ भी कटवा दिए। इन सब के लिए ना तो ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई और ना ही किसी नियम कायदे का पालन किया गया। ये मामला ग्राम पंचायत बमनी के सरपंच की मनमानी का है। सरपंच की मनमानी के चलते जहां कई हरे भरे आम के वृक्ष काट दिए गए, वहीं सरपंच ने मनमानी करते हुए शासकीय दुकानों को भी गिरवा दिया, जिसकी वजह से अनेक लोग बेरोजगार हो गए। सरपंच ने ग्राम पंचायत के उप सरपंच और बोर्ड पंचों को भी इस कार्रवाई की जानकारी नहीं दी थी। इस कार्रवाई को लेकर ग्राम पंचायत में ना कोई प्रस्ताव आया और ना ही इसके लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई। इस कारण दुकानदारों और ग्रामीणों में नाराजगी है। वहाँ पर जो बिल्डिंग थी 15-20 वर्षों से थी, जो कि हमने किराए पे दी थी, उसको अभी सरपंच द्वारा गिराया गया है। उससे बहुत लोग बेरोजगार हो चुके हैं जो लोग वहाँ पर रह रहे थे, और अभी वर्तमान में हमारे पास कोई बजट नहीं है कि हम नए बिल्डिंग वहाँ पर निर्माण करा सकें। इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, सरपंच द्वारा उनको हटा दिया गया है। जी, आम के झाड़ भी कटे हुए हैं, इसके बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। आम के झाड़ कटे हैं ये देखा हूँ मैं, पर मुझसे कुछ इस बारे में नहीं पूछा गया है। जी नहीं, ग्राम सभा नहीं रखे थे, नागरिक को भी जानकारी नहीं दी गई है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में।